शामिल हुए हैं और क्या क्या आपने जो निर्णय आज हमारे यहाँ पे खास करके वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे निषाद विकास संघ के संगठन के जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश से कुछ बड़े पदाधिकारी और आईटी सेल के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें 2022 में चुनाव जो लड़ना है उसकी अंतिम रूप रेखा पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पे अगर कुछ समस्या तो उसको दूर करने किया जाए और मजबूती से 165 जगह पे चुनाव लड़ेंगे उसकी तैयारी अपने अपने स्तर से काम कर ले। सारे प्रदेश में हम लोगों ने तकरीबन 1.5 दर्जन हमने रैली कर लिया है और समय कमेटी गठन हो चुका है और आने वाले समय में आपको कई कार्यक्रम बिहार प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में लगातार 5 रोज हम लखनऊ में ही रहेंगे और मंडल वाइज हम लोग जोन वाइज बैठेंगे और एक एक सीट पर मंथन करके एक एक कैंडिडेट पे सिलेक्शन करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 150 सीट पर मन बना लिया है। उसके बावजूद भी हमारा हमेशा मानना है कि जिला कमेटी से और नीचे के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे समन्वय बना के उनसे पूछकर हम लोग कैंडिडेट लॉन्च करें ताकि उनको कोई हेलीकॉप्टर या पैराशूट से कैंडिडेट ना लगे, उनके उनके बीच के लोग रहे ताकि उनके लिए सही तरीके से वो काम करें। तो इसके ऊपर चर्चा हुआ और फिर अभी इसके लेके अलग अलग दिनों में फिर से कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन आज का संदेश यही है कि सब साथी एक आज हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जिसमें जो भी इच्छुक पार्टी के लोग हैं कोई भी अपने आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए बायोडाटा भेज सकते हैं और उसको डायरेक्ट हमारे पास काउंसलिंग होगा। क्योंकि बहुत ऐसे जगह होता है कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से लोग आते हैं लेकिन जिलाध्यक्ष कुछ और किसी और के बारे में विचार कर बना कर रखते हैं उनको साइडलाइन करने के लिए कि उनको नहीं लड़ाएंगे। तो जैसे हमारे पास आएगा तो डायरेक्ट स्वयं हम काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ पे कोई बीच में रुकावट नहीं होगा। बाकी जिला अध्यक्ष के सहयोग से ही हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव कराएंगे। तो इसको लेके विशेष तौर पे चर्चा हुआ। जिला में काम करने के लिए सारे प्रदेश से साथी आए हैं और एक ऊर्जा के साथ यहाँ से जाएंगे और एक हफ्ते में फिर से पुनः तैयारी करके लखनऊ आएंगे और एक एक चीज पे चर्चा होगा और जैसे चुनाव आयोग ने घोषणा करेंगे वैसे हम लोग 165 सीट पे चुनाव लड़के घोषणा कैंडिडेट का नाम का घोषणा तो लेके काफी जद्दोजहद चल रहा है। अभी पार्टी में जो आपके एक दिन आने से पहले किया क्या है ये आरक्षण का खेल आखिर नहीं आप तो देख ही रहे कि वर्षों से 74 साल से खास करके निषाद समाज को गुमराह किया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने गुमराह किया और आज तो ऐसा हो गया कि हमारे समाज का बेटा ही समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज पहले से क्लियर था कि वहाँ पे आरक्षण का घोषणा नहीं होना है, उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश से निषाद को बुलाया सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए कि आरक्षण का घोषणा होना है और कल किस तरीके से आरक्षण को और भी नहीं बोला गया। तो ये हमें भी उम्मीद था कि माननीय देश के गृह मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहेंगे मंच पर और आरक्षण का निषाद का जो अधिकार है जिसके लिए बरसों से निषाद लड़ाई लड़ रहा है और पूर्व में 2004 से या उससे पूर्व में से ही लोगों ने समाज को गुमराह करने का काम किया हर पॉलिटिकल पार्टी ने और हमें उम्मीद था कि कल वो घोषणा करेंगे लेकिन कल घोषणा नहीं हुआ। तो पूरे बिहार उत्तर प्रदेश का और बिहार के सभी निषाद भाई काफ़ी बड़े पैमाने पर आहत हुए हैं और हम सबको लड़ाई लड़ना है। हमें पता है कि ये जो लड़ाई है ना वो हमें लड़ के और जीतना है, हमें कोई खैरात में देने वाला नहीं है। इस देश को भी आज़ादी के लिए बहुत लोगों को शहीद होना पड़ा और उनको लड़ाई लड़ना पड़ा, उसी तरीके से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है और इसके लिए हम लोग 165 सीट पे लड़ेंगे। जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहे ऐसे लोगों को बताएंगे कि आज निषाद का वोट निषाद का बेटा के साथ है और किसी के साथ नहीं है। हम 165 सीट पे लड़ेंगे तो मेरा मानना है कि कम से कम 70-75 सीट सामने वाला हारेंगे जिनको लगता है कि निषाद का वोट हमारा जागीर है कि एक पार्टी को एक MLC बना दिए और पूरे प्रदेश का वोट हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे लोगों को वहम टूटने वाला है और मजबूती से हम लोग कितना हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम सक्षम हैं हर सीट पर 15% वोट लाने के लिए। जो हम 15% क्लेम करते हैं वो इस चुनाव में हम लोग ला के दिखा देंगे ताकि 2024 के चुनाव में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जो हम बोलते हैं वो उतना परसेंटेज वोट हमारे पास है। बिहार में भी कोई मान नहीं रहा था, जब बिहार में उपचुनाव हमने लड़ा अकेले अपने दम पे लड़ा और हमने एक सीट पर 15% वोट ला के दिखा दिया और जो निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहा था उसको 25,000 वोटों से वो हारा, तब उनको लगा कि नहीं बिहार के निषाद जो है VIP पार्टी मुकेश सहनी के साथ है, तब हमारे साथ गठबंधन किया। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक या दो विधायक बनाने के लिए उद्देश्य से मैं उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहा, हमारा उद्देश्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है और ये आरक्षण दिल्ली से होना है और दिल्ली से आरक्षण होने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारा रास्ता आसान होगा और उत्तर प्रदेश में जब हमारा बेस बन जाएगा, बिहार में तो हमने बना लिया अभी उत्तर प्रदेश में जैसे बेस बन जाएगा
तो हमें दिल्ली आसान होगा और दिल्ली में 2024 में लड़ाई लड़ेंगे और आप 10-20 सांसद पहुंचाएंगे और अपने समाज का आरक्षण बिहार झारखंड या उत्तर प्रदेश हम समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। बात हो रही है तो मंच पर कहा गया कि मालिक मंच पर है, सब कुछ संभव है, क्या ये संदेश है? नहीं तो अभी जिस जहाँ पे निश्चित तौर पे एम्प्लॉय बन के काम करेंगे तो मालिक है तो उनको मालिक का तो अधिक देना ही पड़ेगा, तो उन्होंने निश्चित तौर पे वहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे कि अपने सहयोगी को मालिक बोल रहे हैं, तो हम लोगों तो बिहार में कभी मालिक नहीं बोले हैं और न कभी बोलेंगे, हमारे सहयोगी हैं और सहयोगी के तरह रहे। 74 है तो क्या हुआ, 4 वाला भी उतना ही पावर में है बिहार में, तो हम लोगों का बराबरी से हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं और यहाँ पे लोग अगर किसी के गुलाम बन गए तो उसको अब क्या कीजिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाइएगा। हम तो ऐसे भाई को कहेंगे कि वहाँ पे गुलामी मत कीजिए, यहाँ पे आइए, राजा बनिए, हम आपके पीछे खड़ा है और यहाँ पे आप मजबूती से लड़ाई लड़िए ताकि उत्तर प्रदेश में और देश में एक मिसाइल काम कीजिए और हम आपको आगे रखते हैं, हम मजबूती से काम कीजिए। महज ये बताइए कि किसी बड़ी पार्टी से आपकी बात हुई है? किसी हमें किसी भी बड़ी पार्टी से, वीआईपी पार्टी अपने आप में वीआईपी है और बड़ी पार्टी है नहीं, जैसे कि भाजपा कहती है हमें किसी भी। सर मेरा सवाल ये है कि भाजपा का ये कहना है कि निषाद पार्टी को भी वो अपने ही उसमें पक्ष में लेना चाहती है, क्या आप उनका समर्थन देने के लिए तैयार हैं? जैसे हमारा आरक्षण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आरक्षण नहीं होगा तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है, हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना। संजय निषाद जी उनकी तरफ हैं तो उस टाइप में फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? ना लड़े ना, वो तो उत्तर प्रदेश के जनता डिसाइड करेंगे, निषाद डिसीजन लेंगे कि आरक्षण ना दे उनके साथ रहना है या जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ रहना है, ये तो उत्तर प्रदेश के निषाद को डिसाइड करना है। मुझे लगता है कि 15% मेरे पास वोट है और ये चुनाव के बाद मुझे मेरा बहम जो है टूट जाएगा, 15% होगा तो दिखेगा, नहीं होगा 5% होगा तो 5% दिखेगा, तो ये मेरे भी बहम टूट जाएगा और जो लोगों को और पहले से बना के रखे हैं कि निषाद मेरा वोट जागिर है उनको भी बहम टूटेगा कि निषाद किसके साथ। आप देख ही सकते कि किस तरीके से पार्टी चला रहे हैं, पार्टी थोड़ी चला रहे हैं, वो दुकान चला रहे हैं, एक चुनाव आयोग से सिंबल तक अलॉट नहीं करा पाए हैं तो कैसी पार्टी चला रहे हैं। हम बिहार में रहकर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव चिन्ह अपने अलॉट करा लिए, 403 सीट पर हम स्वतंत्र हो चुके हैं कि 403 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, अभी हम लोगों ने पहले स्टेप पे 165 सीट का घोषणा कर रहे हैं, हो सकता है 200 सीट भी पार कर ले लेकिन हम 165 पे हमने कोर हमारा वोट है वहाँ पे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि जिस तरह से बिहार में आप भाजपा के गठबंधन में, तो क्या आपकी बातचीत भाजपा के किसी भी बड़े नेता से हुई है कि आप यूपी में भी गठबंधन में आइए? देखिए ये सब चीज भाजपा के कुछ नेता जो रास्ते पे हमको चलना नहीं है उस रास्ते का क्या बात है, लोग तो इच्छा रखेगा, आपके पास अगर 5 वोट है ना तो आपके इधर के जो कैंडिडेट होगा ना विधायक वो भी आपके घर पे जाएंगे और सन ऑफ मल्ला आपको चाहने वाले पहचानने वाले, आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में लाखों है और लाखों वोट को कोई नाराज नहीं करना चाहेगा, हर लोग चाहेंगे कि हमारे साथ निषाद का वोट आए, लेकिन निषाद का वोट आए तो उसके लिए तो आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा और मुझे मालूम है कि हम दोस्त के साथ जा सकते हैं दुश्मन के साथ नहीं जा सकते, इसलिए हमारा दोस्त होगा नहीं देगा जब तक आपने किसी तब तक हम किसी ने हमारा नारा ही है जब पार्टी लॉन्च हुआ तो उस समय आपने देखा होगा, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा नारा है और इस नारा के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।